A militant was arrested and 8 grenades were recovered from him in Jammu region late last night. Police said they intercepted a bus in Gandhi Nagar area of the Jammu city and arrested a youth from Kashmir carrying grenades. He has been identified as Arfan Wani, a resident of Awantipora in Pulwama district. 8 live grenades and rupees 60,000 in cash was recovered from his possession. A high alert has been sounded in Jammu city. The militant is being put through sustained interrogation to ascertain about his plans and his contacts in the Jammu city. Yesterday, our Naka party at Chhatri Point in Gandhinagar, we have arrested a Kashmiri youth who was having who were moving suspiciously in this area. And since you know that we have maintained a very high alert in Jammu city, so this person was questioned, and on interrogation and his physical search, we found 8 grenades with him. He was carrying this bag of grenades. And he was immediately taken into custody, and interrogations were done. And on this disclosure, it was turned out that he was carrying this cache of grenades to Delhi, where they were planning to hand it over to somebody, and they could have been used as a during Independence Day celebration in Delhi. So we have interrogated this person, and by this, I think a major chance of disturbing the Independence Day celebrations in Delhi and parts of Jammu also has been filed. The name of the person is Irfan Hussain Wani, son of late Ghulam Hussain Wani, resident of Dangarpura, Awantipora, Kashmir. This person belonged to organization of Ansar Ghazwat-e-ul-Hind, the chief of this is Zakir Musa, but he was in touch with the number 2, that is Rehan, of this organization. So this is the information we got by the preliminary investigation of this. Investigation का part है, अभी हम चल रहे हैं, पर अभी हम हर चीज़ पे देख रहे हैं, इसकी जो टेलीफोन वगैरह है, उसकी भी हम करेंगे। ये लंबा है, पर क्योंकि आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने अभी आपको। सर, तंजीम में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, क्या इसमें भी इन्वॉल्व? ये तंजीम जो है, हर कुल अंसार गजबतुल हिंद है, जिसका कि जाकिर मूसा जो चीफ है बना हुआ, और उसका जो है रेहान, इसका जो कांटेक्ट था नंबर 2 इतल जेल का। सर, जैसे 25 मई को जम्मू में बस स्टैंड में ग्रेनेड हुआ था, क्या हमला इसीलिए नहीं हुआ? बस स्टैंड का जो मामला था वो अलग मामला है, और उसमें हमने जो है अक्यूज को पकड़ा हुआ, उसकी सेपरेट जो है इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि दिल्ली में या जम्मू में सीरियल ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकते हैं, क्या ये उसका पार्ट था या सीरियल ग्रेनेड ब्लास्ट करने की योजना? देखिए, हो सकता है उसी का पार्ट हो, पर जो हमारी हमने जो अलर्ट मेंटेन किया था उसमें हमें लगता है कि एक मेजर सक्सेस हुई है। अभी तक जो जांच हुई है, क्या बोल रहा है कि और साथी इसके हैं जम्मू में, कहां से आया था? देखिए, अभी जांच जो है प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, हर चीज़ अभी स्टेज में मीडिया को शेयर नहीं की जा सकती, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, इसकी एक्टिविटीज वैली में क्या रही और बाहर कहाँ रही, उसके ऊपर हम पूरा जो है कर रहे हैं। ये एक साल से ये मिलिटेंसी में है, और ये BA का ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, और ये मिलिटेंसी में रेडिकलाइज होकर इस मिलिटेंसी में आ गया। सर, क्या ये बस में बैठा हुआ था जब इसको अरेस्ट किया गया दिल्ली जाने के लिए? ये हमें वहाँ पे मिला था सस्पिशियस मोमेंट में, पैदल चलते हुए मिला था, और नाका पार्टी ने उसको पकड़ा। तो इसने बताया कुछ और साथी हैं इसके जम्मू में, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो कॉन्टैक्ट हैं, अभी आपने जितनी बता सकते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनिशियल स्टेज है, हम वही इन्फॉर्मेशन अभी आपको शेयर कर रहे हैं जो कि हमें कंफर्म हुई है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको फिर बुलाएंगे। ये कश्मीर से इसको हैंड ओवर हुआ, कैश भी थी इसके पास, पर 60,000 से ऊपर 60,000। और क्या क्या रिकवर हुआ इससे? और क्या क्या रिकवर हुआ? सिर्फ पैसा है, और बाकी इसको अपना जो कश्मीर से जम्मू पहुंचा। देखिए, सिक्योरिटी लैब्स का ये है कि हमारी टीम ने ही पकड़ा है, तो सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है, सिक्योरिटी हमने सिटी में पकड़ लिया। 15 अगस्त को देखते हुए जम्मू में किसी तरह का कोई स्पेसिफिक इनपुट? देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी, जो रोबस्ट सिक्योरिटी प्लान जो है जम्मू में, उसी का नतीजा है कि हमने इसको पकड़ा है, और इस किस्म से हमारे जो हैं प्लान जो हैं वो इन प्लेस हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी कोऑपरेशन के साथ हमारी अलर्टनेस से जो है आने वाले दिनों में जो हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है वो ठीक ठाक गुजरेंगे। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल अलग है इससे, अमरनाथ यात्रा रोकी गई है, क्या बंद की वजह से जो वहाँ बंद कॉल की? देखिए, अमरनाथ यात्रा जो है एक महीने से चल रही है, इसमें नंबर भी काफ़ी कम हो गए हैं, और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है हमारा, हम यात्रा को थोड़ा नंबर जब बढ़ेगा तो उसको रिलीज हो जाएगी, चलेंगे।